नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूं। आज मैं महिलाओं से संबंधित बीमारी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में चर्चा करूंगा। ब्रेस्ट कैंसर को हिंदी में स्तन कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि कैंसर होता क्या है। शरीर के किसी अंग में होने वाली कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि कैंसर का प्रमुख कारण होती है। शरीर को जितना आवश्यकता अनुसार जितना ज़रूरत होता है कोशिका का, तो जब कोशिका जब वृद्धि करने लगता है और लगातार वृद्धि करता चला जाता है, तो ये कैंसर का रूप ले लेता है। इसी तरह से जब ब्रेस्ट स्तन की कोशिकाओं में जब अनियंत्रित वृद्धि होने लगता है और ये वृद्धि करते करते ये जब आपस में मिलकर एक गांठ का रूप ले लेता है, तो इसको हम ब्रेस्ट कैंसर के नाम से जानते हैं, जिसको कैंसर ट्यूमर भी कहा जाता है। स्तन कैंसर होने पर अगर ये पहला या दूसरे स्टेज में अगर पता चल जाए, तो इसका सही और ढंग से उपचार किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो कैंसर है, ये शोधों से पता चला है कि हार्मोन्स, हमारा जो लाइफ स्टाइल और वातावरण का कुछ फैक्टर्स है, जिनसे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को बढ़ा देता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ब्रेस्ट कैसे पता करेंगे कि ये ब्रेस्ट कैंसर है। तो इसमें कुछ ब्रेस्ट में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिसको सावधानी पूर्वक देखने पर पता चल जाता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस हैं। जैसे स्तन के आकार में अगर कुछ बदलाव महसूस होने लगे, या स्तन के ऊपर या बांह के नीचे अगर किसी तरह का गांठ दिखाई पड़े, स्तन को दबाने पर दर्द हो, स्तन का जो निपिल्स है उससे किसी तरह का द्रव या चिपचिपा पदार्थ का स्त्राव होने लगे, निपल से मुड़ जाए, सूजन आ जाए या अंदर की ओर दब जाए, लाल दिखने लगे, तो ये स्तन कैंसर होने के चांस रहता है। तो जब ऐसा दिखे तो तुरंत हमें सतर्क हो जाना चाहिए और इसका उपचार जितना जल्दी हो करना जरूरी है। तो दोस्तों, आज से 10-12 साल पहले तक ये ब्रेस्ट कैंसर के बारे में उतनी चर्चा नहीं होती थी जितनी आज हो रही है। आज ब्रेस्ट कैंसर के मामले बहुत बढ़ गए हैं। भारत में स्तन कैंसर से जो पीड़ित होते हैं, उसमें 2 महिला में से 1 महिला की मृत्यु हो जाती है। ये महिलाओं के होने वाला एक व्यापक कैंसर भी है। भारत में 28% महिलाएं स्तन कैंसर से पीड़ित हैं। अगर कोई कैंसर परिवार में किसी को पहले भी अगर कैंसर हो चुका हो परिवार में, तो ये ब्रेस्ट कैंसर होने के जो चांस हैं वो 2-3% महिलाओं में अधिक होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमेशा समय समय पर डॉक्टर से ब्रेस्ट का स्तन का जांच करवाते रहना चाहिए। तो दोस्तों, हाल में एक शोध हुआ था, तो शोध के बाद ये बात सामने आई कि
आज के समय में जो हमारा लाइफ स्टाइल बदल गया है और महिलाएं जो सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल अधिक करती हैं, ब्यूटी पार्लर या फेशियल ये सब अधिक करवाती हैं, जिसके चलते अधिकांशतः महिलाओं को ये स्तन कैंसर देखने को मिलने लगा है। क्योंकि ये जो सौंदर्य प्रसाधन जो महिलाएं इस्तेमाल करती हैं, तो इस क्रीम में या ब्लीच में इस तरह के विषाक्त केमिकल पाए जाते हैं जो कैंसर के कारण होते हैं। हमारा जो शरीर है ये एस्ट्रोजन का निर्माण करता है और ये एस्ट्रोजन जो होता है वो कोशिका का निर्माण करता है, और जब एस्ट्रोजन की मात्रा जब शरीर में बढ़ जाती है तो ये अधिक कोशिका का निर्माण करना शुरू कर देता है और जिससे कोशिका वृद्धि अधिक करने लगता है और कैंसर का कारण होता है। तो जो महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल अधिक करती हैं तो उनमें ऐसे ऐसे केमिकल का प्रयोग किया जाता है जो कि हमारे त्वचा से हमारे रक्त में चला जाता है, और रक्त में जाने के बाद वो जेनोएस्ट्रोजन एक तरह का रसायन का निर्माण करता है जो कि एस्ट्रोजन जो हमारे शरीर में पहले से जो होता है उससे अधिक मात्रा में पैदा होने लगता है, और ये जो हमारे शरीर में जो प्राकृतिक एस्ट्रोजन जो पैदा होता है उसका नकल करने लगता है, और ये जब नकल करने लगता है इससे दोनों की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो कैंसर की जो कोशिकाएं हैं वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये जेनो एस्ट्रोजन साबुन से लेकर शैम्पू हुआ, कंडीशनर हुआ, फेस क्रीम हुआ, डिओड्रेंट, ये सभी में पाया जाता है और इसी के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर चला जाता है जो स्तन कैंसर का कारण बनता है। तो दोस्तों, जो ब्रेस्ट कैंसर जो होता है इससे 99% महिलाओं के शरीर में पैराबीन पाया जाता है। तो ये जो पैराबीन होता है ये जितने भी सौंदर्य उत्पादक चीज़ होते हैं, क्रीम हो गया, साबुन हो गया, फेस वाश हो गया, इसके द्वारा उसी में पाया जाता है और उसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है, रक्त में मिल जाता है और धीरे धीरे ये जहर बन जाता है। अधिकांश सौंदर्य जो प्रसाधन होते हैं उसमें एल्युमिनियम सॉल्ट पाया जाता है, जो अधिकांशतः जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें पैराबीन होते हैं जो एस्ट्रोजेन की तरह अधिक वसा जमा करना शुरू कर देते हैं और असामान्य तरह से ट्यूमर जो है वो वृद्धि करने लगता है। शैम्पू, कंडीशनर, लोशन, चेहरे का जो स्क्रब ये जो होता है उसमें पैराबीन सबसे अधिक ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इनके उपयोग से त्वचा कैंसर भी हो सकता है। तो दोस्तों, जो अधिकांशतः सौंदर्य उत्पादक चीज़ होता है उस पे जो लेबल लगा हुआ रहता है उसमें एंटीबैक्टीरियल शब्द लिखा हुआ होता है, तो ये जो एंटीबैक्टीरियल जो होता है ये ट्राइक्लोसन होता है जो एक कीटनाशक और जीवाणुओं को मारने का काम करता है। तो ये अगर अधिक मात्रा में अगर हम अपने चेहरे पर, शरीर पर लगाते हैं तो हमारा जो शरीर है, जो रोम होता है उसके छिद्र में जमा हो जाता है और जमा होके ये कैंसर होने की जो आशंका होता है उसको बढ़ा देता है या
थायराइड, शरीर में थायराइड को बढ़ा देता है। जो महिलाएं ब्लीचिंग करवाती हैं, तो ब्लीच लगाने से त्वचा में खुजली होने लगता है, चकता उभर जाता है। खुजली होने के कारण उसमें जो मौजूद रिसोर्सिनोल होता है वो लंबे समय तक अगर हम इसका उपयोग करें तो ये भी स्तन कैंसर का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, अगर स्तन कैंसर होने का डर हो, आशंका हो, तो इसे रोकने के लिए हमें कुछ परहेज करना चाहिए और खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले नमक का जो सेवन है उसको कम कर देना चाहिए, रेड मीट अधिक नहीं खाना चाहिए, सूर्य का जो तेज रोशनी होता है उससे बचना चाहिए, अधिक मात्रा में धूम्रपान या नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं गर्भनिरोधक गुनिया खाती हैं तो उसको लगातार नहीं खाना चाहिए, कुछ दिन गैप करके, कम से कम जैसे अगर 2-3 महीना अगर लगातार खा लिए तो कम से कम 1 महीना बीच करके, फिर 2 महीना खा लिए, फिर 1 महीना बीच कर दिए, इस तरह से खाना चाहिए। लगातार खाने से भी ब्रेस्ट कैंसर होने का डर रहता है। इसके अलावे ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए, विटामिन डी और विटामिन सी से भरपूर जो पदार्थ हो उसका सेवन करना चाहिए। इसके लिए दूध और दही का सेवन बहुत फायदेमंद होता है, और संतरा, नींबू, इसका भी समय समय पर प्रयोग करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर शुरू में फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में अगर पता चल जाए ब्रेस्ट कैंसर का, तो होम्योपैथ में कुछ मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल करके इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। तो इसमें जैसे हाइड्रेस्टिस 30, फाइटोलेक्का 30, आर्सेनिक आयोड 3x, कार्सिनोसिन 200, आर्सेनिक 200, कोनियम 200, केल्केरिया आयोड 3x, ये सब दवाएं काफ़ी फायदा करती हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, और अभी तक अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद।